यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक वाले रास्ते की दुर्व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। इसी रास्ते के पुनर्निर्माण में प्रलंबित मुद्दों को लेकर सोमवार को स्थानीय छत्रपति शिवाजी महाराज विचार मंच ने पत्र परिषद का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने आगामी 4 मार्च को भीख मंगो आंदोलन का इशारा देते हुए शासन और प्रशासन को नींद से जागने की बात कही है। पेश है दिग्रस से संवाददाता जुबैर खान की यह खास रिपोर्ट। दिग्रस शहर के विकास पर बीते कई सालों से लगा राजनीति के खोखले आश्वासनों का ग्रहण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक वाले रास्ते की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। इसी रास्ते के निर्माण के प्रलंबित मुद्दे को लेकर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज विचार मंच और शिव प्रेमियों ने इकट्ठा आते हुए इसके लिए आगामी 4 मार्च को भीख मांगो आंदोलन का आयोजन किया है। इस संदर्भ में सोमवार 27 फरवरी को विश्राम गृह में आयोजित पत्र परिषद में जानकारी दी गई है। जसा चंद्राला डाग लागतो किंवा ग्रहण लागतो त्याचप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामध्ये जी रस्त्याची दुरवस्था झालेली आहे त्यामुळे कुठेतरी प्रशासनाला जाग करण्यासाठी आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज विचार मंच व शिवप्रेमी यांच्या मार्फत भीक मांगो आंदोलन हे 4 मार्च रोजी शनिवारला 10 वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे करणार आहोत आणि यामागे कुठलाही राजकीय उद्दिष्ट नाही आणि कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला येत्यात विरोध करण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येणार नाही आहे। सर्व पक्षीय, सर्व धर्मीय, सर्व संघटना या भीक मांगो आंदोलनमध्ये सहभागी व्हावे व हा विषय सार्वजनिक असल्यामुळे आणि छत्रपती म्हटल्यानंतर हा सर्वांचा संवेदनाचा विषय आहे आणि कुठेतरी हा विषय प्रशासनाने आणि जे काही शासन आहे यांनी याकडे लक्ष देऊन इथला रस्ता हा चांगला व्हावा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला आणि स्मारकाला सुशोभीकरण जे झालेले आहे हे कुठेतरी या रस्त्याच्या मार्फतही चांगले दिसले पाहिजे, त्या उद्दिष्टाने आम्ही हे भीक मांगो आंदोलन करतो आहे। दूसरी तरफ इसी मुद्दे को लेकर विधायक संजय राठौड़, जो अब एकनाथ शिंदे सरकार में अन्न और औषधि प्रशासन मंत्री है, उन्होंने बीते 23 फरवरी को युवा उद्यमी प्रनीत मोरे द्वारा संचालित पेट्रोल पंप के उद्घाटन के मौके पर छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक वाले रास्ते के निर्माण और स्मारक सौंदर्यीकरण का राग आलापा। हालांकि पहले भी मंत्री महोदय जी ने महान तपस्वी श्री घंटी बाबा जॉगिंग ट्रैक साकार करने, भवानी माता मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते को टू लेन बनाकर उसे उम्दा तरीके से विकसित करने के साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज चौक वाले रास्ते को सीमेंट रास्ते में तब्दील करने का भारी भरकम आश्वासन दिया था, लेकिन इनमें से एक भी काम अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा। बावजूद इसके एक बार फिर खुद मंत्री महोदय ने बड़े उत्साह के साथ कथित रूप से एक या दो दिन के भीतर छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक वाले संबंधित रास्ते के काम की शुरुआत के संकेत भी दिए हैं। आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी। बहरहाल इन दिनों दुनिया में कई जगहों पर भूकंप और जलजलों का दौर जारी है। इस तर्ज पर दिग्रस शहर की बात की जाए तो यहाँ के विकास की पहाड़ी में राजनीति के खोखले अंगारों वाले ज्वालामुखी भी उभर आए हैं, जो समय समय पर फूटते रहते हैं, लेकिन इनमें से विकास की आग कहीं भी नहीं निकलती। अगर कुछ निकलता है तो केवल फर्जी आश्वासनों का धुआं। कोई इसी धुएं को विकास समझ बैठा है तो कोई इसे विकास के नाम पर छोड़ा गया शगुफा मानता है। बहरहाल भीख मांगो आंदोलन के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक वाले रास्ते के काम को गति मिलती है या फिर इसी रास्ते को लेकर दिया गया मंत्री महोदय संजय राठौड़ का बयान हकीकत में साकार होता है, या फिर पहले की तरह यह कोई राजनीतिक स्टंट साबित होता है, या फिर हवाबाजी की भेंट चढ़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।